भारत की सबसे अंतर्मुखी अभिनेत्रियों की बात की जाए तो कल्पना कार्तिक का नाम सबसे ऊपर आएगा। पिछले 60 सालों में इस अभिनेत्री ने सिर्फ 2 या 3 बार ही खुद को मीडिया के सामने लाया है और इसी वजह से दर्शकों के मन में संकोच निर्माण होता है। ये संकोच उनके व्यक्तित्व और चेहरे के लिए भी है। आज के दौर में कल्पना कार्तिक कैसी दिखाई देती हैं? ये सवाल हमारे मन में भी आज भी ताज़ा है। इसी संकोच का फायदा उठाकर अलग अलग वेबसाइट और यूट्यूब चैनल किसी और महिला की तस्वीर दिखाकर लोगों को गुमराह भी करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर कल्पना कार्तिक के नाम पर फैलाई जाती है। बेशक ये सभी तस्वीर कल्पना कार्तिक की नहीं है। वीडियो के बीच में आपको कल्पना कार्तिक की असली फोटो दिखाई जाएगी। उससे पहले उनसे जुड़ी कुछ बातें कहना चाहूंगी। पिछले कुछ दशकों में ये भी अफवाह फैली है कि देवानंद और कल्पना कार्तिक अलग अलग रहने लगे थे। इस कारण से कल्पना कार्तिक कैमरे के सामने आने से कतराती हैं। इस सोच से पर्दा उठाते हुए कल्पना कार्तिक ने बोल दिया है कि ये सभी बातें मनगढ़ंत और पूरी तरह से काल्पनिक है। उस दौर में देवानंद ने बहुत सारी अभिनेत्रियों को लॉन्च किया था, जिसमें जाहिदा और जीनत अमन जैसी अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती के कारण काफी लोकप्रिय बन चुकी थी। खबरें आने लगी कि देवानंद शादी करने के लिए कल्पना कार्तिक को तलाक देने वाले हैं। इन बातों का खंडन करते हुए कल्पना कार्तिक बताती हैं कि वो देवानंद से कभी अलग नहीं हुई। कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना सिन्हा है। 19 अगस्त 1931 के दिन लाहौर में एक पंजाबी क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक गांव में तहसीलदार थे। 7 भाई बहनों में कल्पना सबसे छोटी थी। उन सबकी पढ़ाई लिखाई लाहौर में ही हुई थी, पर आज़ादी के बाद उनका परिवार शिमला आ गया। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें मॉडलिंग का शौक था। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में भी वो अव्वल थीं। इतिहास विषय में ग्रेजुएशन करते हुए उन्होंने मिस शिमला का खिताब भी जीता था। इस प्रतियोगिता के कारण मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद ने उन्हें आगामी फिल्म बाजी में कास्ट किया। फिल्म के हीरो देवानंद को इस नई हीरोइन के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। वे चेतन आनंद ही थे जिन्होंने उनका नाम कल्पना कार्तिक रखा। उस दौर में देवानंद अपनी पहली प्रेमिका सुरैया के वियोग में उदास रहते थे। बस 2-3 साल के इस रिश्ते ने 10-20 साल की करवाहट देखी और दोनों अलग हो गए। सुरैया की दुनिया से निकलने के लिए कल्पना कार्तिक ने देवानंद की मदद की और वे दोनों एक दूसरे के प्यार में विलीन हो गए। पहली फिल्म के साथ कल्पना कार्तिक ने देवानंद को जीत लिया। इस बार देवानंद सावध हो गए। वे अपने रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। कल्पना कार्तिक ने भी सोच लिया था कि वो दोनों चोरी छिपे शादी करेंगे और रिसेप्शन देकर सबको चकित कर देंगे, पर किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था। देवानंद को कल्पना के चले जाने का भी डर था। अपनी और कल्पना की शादी के बारे में खुद देवानंद ने ये बात बताई थी। कल्पना बहुत खूबसूरत, चुलबुली, नटखट और पढ़ी लिखी थी। हम एक दूसरे से फिल्मबाजी से ही प्यार करने लगे थे। तब हमने फैसला लिया था कि हम चुपचाप शादी कर लेंगे। इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और बाद में लोगों को दावत दे देंगे। बाजी फिल्म हिट हुई और कल्पना कार्तिक की लॉटरी लग गई। देवानंद के साथ उनके 4 साल बीत चुके थे, पर फिर भी शादी की तारीख तय नहीं हुई थी। ऐसे में दोनों ने रातों रात शादी करके लोगों को चौंका दिया। इस पर चर्चा करते हुए देवानंद बताते हैं, हम टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कर रहे थे। मेरी जेब में ही एक अंगूठी थी। हमने रजिस्ट्रार से बात की और उसे सेट पर आने के लिए बोला। ब्रेक के बीच में जब लाइट की व्यवस्था की जा रही थी और सेट तैयार हो रहा था, तब मैंने कल्पना को हल्का सा इशारा किया। हम पास में ही एक डिपार्टमेंटल रूम में गए और शादी करके वापस आ गए, लेकिन कैमरामैन को पता चल गया था। दरअसल उसने मेरे हाथ में अंगूठी देख ली थी और वो फिल्म की कंटिन्यूटी में बाधा डालती। वैसे वो हम दोनों के रिश्ते के बारे में भी जानता था, फिर भी मैंने उसे चुप रहने के लिए बोला और फिर हमने अपना अगला शॉट दिया। हमें इस काम में बहुत मजा आया। फिल्मी दुनिया में देवानंद लंबी रेस के घोड़े थे, पर वहीं उनकी बीवी कल्पना कार्तिक ज्यादा समय तक रुक नहीं पाई। बाजी समेत टैक्सी ड्राइवर और 9-2-11 उनके जीवन की बड़ी फिल्में साबित हुई। सुनील और देवीना के जन्म के बाद कल्पना ने फिल्मी दुनिया से संन्यास लिया और खुद को पारिवारिक माहौल से जोड़ लिया। उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग छोड़ी बल्कि मीडिया के सामने आना भी बंद कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने 1985 से आज तक वो सिर्फ 3 बार पब्लिक सेरेमनी में हाजिर हुई हैं। बेटी देवीना की शादी के वक्त, 1996 में बेटे सुनील के जन्मदिन के वक्त और अंतिम बार वे देवानंद के देहांत के समय वो कैमरे के सामने आई थी।
60 के दशक में दर्शकों से आंख मिचौली करते हुए देवानंद कल्पना यूरोप और अमेरिका छुट्टियां मनाने जाते थे। दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेंद्र कुमार जैसे सुपरस्टारों के पारिवारिक पार्टियों में भी कल्पना आती थी। 2015 में उन्होंने आखिरी बार द हिंदू न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए शीला रमानी के देहांत पर शोक वार्ता करते हुए कहा था कि वो उनकी पहली फिल्म बाजी में भी थी, दोनों के एक साथ ज्यादा सीन नहीं थे। आज के दौर में कल्पना कार्तिक की उम्र 90 साल से भी अधिक है। हमारे हिसाब से वो अपना ज्यादातर समय अमेरिका में बिताती हैं। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो कल्पना कार्तिक की है। उनसे पूछा गया था कि देवानंद के बिना उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। इस पर वो कहती हैं कि उन्हें आज भी यकीन नहीं होता कि देवानंद इस दुनिया में नहीं है।